चंद्रशेखर आजाद जी ने, चंद्रशेखर आजाद जी जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथी थे, उन्होंने काकोरी का कांड किया। आप पुस्तकों में पढ़ते हैं ना काकोरी कांड, तो काकोरी कांड कहा जाता है। मैं उसको कहता हूं वो काकोरी का शौर्य दिवस था, वो काकोरी की बहादुरी की घटना थी, उसको कांड कहना उसका अपमान है। तो काकोरी का जो शौर्य का जो उन्होंने कारनामा किया, उसमें केवल 8,000 रुपये उन्होंने लूटे थे। उन्होंने काकोरी में जो अंग्रेजों की ट्रेन लूटी, उसमें केवल 8,000 रुपये की डकैती हुई थी। केवल एक व्यक्ति मारा गया था, और वो जो मारा गया था वो कोई अंग्रेज नहीं था। इस 8,000 रुपये के लूट के लोगों को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी पुलिस उनके पीछे लगा दी, क्योंकि ये डकैती अपने आप में एक बड़ी घटना थी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज ये सोचकर बैठे हुए थे कि अब हमें भारत से कोई नहीं हटा सकता। विश्व युद्ध के बाद उन्होंने रोलेट एक्ट जैसे कानून बना दिए थे। 1919 में उन्होंने जलियांवाला कांड किया, जिसने भी आवाज उठाई उसको दबा दिया गया। तो इस डकैती ने अंग्रेजों की चूले हिला दी, और उस 8,000 रुपये की डकैती के ऊपर लोगों को पकड़ने के लिए, उसके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए अंग्रेजों ने 10,00,000 रुपये खर्च किए। और उस समय जो सोने का भाव होता था वो 20 रुपये तोला होता था। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि 8,000 रुपये की रिकवरी के लिए, उसके लिए उन्होंने आज के समय की यदि हम बात करें तो लगभग 70 करोड़ रुपये उन्होंने खर्च किए। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उन्होंने जो क्रांतिकारी काम किया वो कितना बड़ा क्रांतिकारी था, उससे अंग्रेज कितने डरे हुए थे।